नमस्कार, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 2023 के आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण जो कि 14 अक्टूबर को लगने वाला है, यह रात्रि में 8:34 से प्रारंभ हो जाएगा और 2:25 तक रहेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण है, क्योंकि विशेष रूप से देखने वाला जो सूर्य ग्रहण होगा अमेरिका, कनाडा इत्यादि देशों में होगा, लेकिन ये भारत में नहीं दिख पाएगा। इस दिन पितृ अमावस्या भी होती है और यह कन्या राशि में लग रहा है, चित्रा नक्षत्र में लग रहा है। अब देखें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए कितना हानिप्रद होगा और कैसे इससे बचा जा सकता है। सूर्य ग्रहण या कोई भी ग्रहण खगोलीय स्थिति में जब लगता है तो निश्चित रूप से सभी देशों में, ब्रह्मांड के सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्रभाव डालता है। वह अच्छा प्रभाव भी किसी के लिए होता है और बुरा प्रभाव भी होता है, लेकिन अधिकांश हम इसे देखते हैं कि क्या इसका बुरा प्रभाव होता है। अब हम 3-4 पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से देश में इसका बहुत ज़्यादा जो है सो उथल पुथल होने वाला है और कहाँ नहीं होने वाला है, इससे बचाव का क्या साधन हो सकता है, इसी का विश्लेषण करेंगे। हम ये जानते हैं कि कोई भी ग्रहण जब लगता है या सूर्य ग्रहण की हम बात करें, यह एक प्रकृति में उथल पुथल लगने वाला चीज़ है, क्योंकि यह छूतक माना जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करते। इस समय बंद रहता है सारे मंदिर के पट, पूजन पाठ इत्यादि, क्योंकि जहाँ चंद्र सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है वहाँ 12 घंटा पहले छूतक शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसी प्रकार का आप जो है मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं कर सकते हैं, शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, या जो और चीज़ होता है शुभ कार्य, किसी चीज़ का शुभारम्भ करने का, ये सारा चीज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर हम इस स्थिति में किन किन लोगों को ज़्यादा सावधानियाँ रखना चाहिए। कोई भी ग्रहण लगे तो उस जैसे सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं तो खुले नंगे आँखों से इसे नहीं देखना है, क्योंकि आपके आँख पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जो गर्भवती महिला है उसे तेज वस्तु, धार वाले वस्तु का उपयोग नहीं करना है इस समय, जैसे सुई धागा या सब्जी काटना या किसी प्रकार का कोई भी, अपनी जो गर्भ अवस्था में शिशु पल रहे हैं उसकी सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि अगर ये ऐसा करता है तो कुपोषण की स्थिति बन सकती है। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी है कि आपको भोजन इत्यादि से वंचित रहना है, नहीं करना है, लेकिन गर्भावस्था में कोई भी है, पानी पीना इत्यादि सारा चीज़ जो उनकी दवा इत्यादि की आवश्यकता है वह बिल्कुल निसंकोच ले सकते हैं और उसका वो उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए कि भारत के जो उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल भी होने वाला है, जिसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर, इस पर कुछ उथल पुथल होंगे, लेकिन सबसे प्रभावित जो क्षेत्र होगा वो POK, जो जिसको हम करते हैं पाक अधीनस्थ कश्मीर जो है, उस पर उथल पुथल होने की प्रक्रिया ज़्यादा हो सकती है। अब हम इसमें करना क्या है, जो भी धार्मिक ग्रंथों का नाम ले सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, प्रभु का नाम ले सकते हैं, कुछ पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए हम जो धर्म से लीन रह सकते हैं, तो ये प्रकृति में आपके जो एक औरा मंडल डेवलप होगा वह पॉजिटिव होगा, और जो सूर्य ग्रहणों से आपके ऊपर कुपोषण या कोई भी ग्रहण इत्यादि का जो किरणें हैं वो आप पर उतना प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि आपका औरा मंडल उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उसके बाद जब सूर्य ग्रहण सुबह उठेंगे
तो अपना स्नान इत्यादि करके पवित्र करके किचन इत्यादि को धो धा करके तभी भोजन इत्यादि का जो है सो आप पाक कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में कुछ दान पुण्य करना भी आपको आवश्यक है। जो गरीब लोगों को, भिखारी लोगों को, अनाथ लोगों को, अंधे इत्यादि विद्यालय हैं वहाँ जाकर के आप भोजन इत्यादि का दान कर सकते हैं, कपड़ा कम्बल इत्यादि का दान कर सकते हैं। ये ग्रहण से प्रभाव से बचने का एक सरल सहज अपने शास्त्रों में जो बताया गया है उसी का एक विश्लेषण है और आप इस तरह उस ग्रहण से पढ़ने वाले को प्रभाव से बच सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।